पिछले 15 महीने से दंड जुर्माने के पैसे जमा करके महतो टोली के पंचों ने पेट्रोमैक्स खरीदा है इस बार रामनवमी के मेले में। गांव में सब मिलाकर 8 पंचायतें हैं। हर एक जाति की अलग अलग सभा चट्टी है। सभी पंचायतों में दरी, जाजिम, सतरंजी और पेट्रोमैक्स है। पेट्रोमैक्स जिसे गांव वाले पंचलाइट कहते हैं। पंचलाइट खरीदने के बाद पंचों ने मेले में ही तय किया 10 रुपए जो बच गए हैं इससे पूजा की सामग्री खरीद ली जाए। बिना नेम टेम के कल कब्जे बाबी चीज का पुण्याह नहीं करना चाहिए। अंग्रेज बहादुर के राज में भी पुल बनवाने से पहले बलि दी जाती थी। मेले से सभी पंच दिन दहाड़े ही गांव लौटे। सबसे आगे पंचायत का छड़ीदार पंच लाइट का डिब्बा माथे पर लेकर और उसके पीछे सरदार, दीवान और पंच वगैरह। गांव के बाहर ही ब्राह्मण टोले के फुटंगी ने टोक दिया, कितने में लालटेन खरीद हुआ महतो? देखते नहीं हैं, पंचलाइट है। ब्राह्मण टोली के लोग ऐसे ही ताप करते हैं, अपने घर की डिबरी को भी बिजली बत्ती कहेंगे और दूसरों के पंचलाइट को लालटेन। टोले भर के लोग जमा हो गए। औरत मर्द, बूढ़े बच्चे सभी काम काज छोड़कर दौड़े आए। चल रे चल, अपना पंचलाइट आया है पंचलाइट। छड़ीदार अग्नु महतो रह रहकर लोगों को चेतावनी देने लगा, हाँ दूर से छूछा मत करो, देखो ठेस ना लगे। सरदार ने अपनी स्त्री से कहा, सांझ को पूजा होगी, जल्दी से नहा धोकर चौका पीढ़ी लगाओ। टोले की कीर्तन मंडली के मूल गैन ने अपने भगतिया पच्छकों को समझा कर कहा, देखो आज पंचलाइट की रोशनी में कीर्तन होगा, बेतारे लोगों से पहले ही कह देता हूँ, आज यदि आखिर धरने में डेढ़ बेड़ हुआ तो दूसरे दिन से एकदम बायकाट। औरतों की मंडली में गुलरी काकी गोसाई का गीत गुनगुनाने लगी। छोटे छोटे बच्चों ने उत्साह के मारे बेवजह शोरगुल मचाना शुरू कर दिया। सूरज डूबने के 1 घंटा पहले से ही टोले भर के लोग सरदार के दरवाजे पर आकर जमा हो गए। पंचलाइट के सिवा और कोई गप नहीं, कोई दूसरी बात नहीं। सरदार ने गुड़गुड़ी पीते हुए कहा, दुकानदार ने पहले सुनाया पूरे 5 कौड़ी 5 रुपया। हमने कहा कि दुकानदार साहब ये मत समझिए कि हम लोग एकदम देहाती हैं, बहुत बहुत पंचलाइट देखा है। इसके बाद दुकानदार हमारा मुंह देखने लगा, बोला, लगता है आप जाति के सरदार हैं। ठीक है, जब आप सरदार होकर खुद पंचलाइट खरीदने आए हैं तो जाइए, पूरे 5 कौड़ी में आपको दे रहे हैं। दीवान जी ने कहा, अलबत्ता चेहरा परखने वाला दुकानदार है, पंचलाइट का बक्सा दुकान का नौकर देना ही नहीं चाहता था। हमने कहा, देखिए दुकानदार साहब, बिना बक्सा पंचलाइट कैसे ले जाएंगे? दुकानदार ने नौकर को डांटते हुए कहा, क्यों रे, दीवान जी के आपके आगे दुर्खेल करता है, दे दो बक्सा। टोले के लोगों ने अपने सरदार और दीवान को श्रद्धा भरी निगाहों से देखा। छड़ीदार ने औरतों की मंडली में सुनाया, रास्ते में सन्न सन्न बोलता था पंचलाइट, लेकिन एन मौके पर लेकिन लग गया। रुदन साह बनिए की दुकान से 3 बोतल किरासन आया और सवाल पैदा हुआ, पंचलाइट को जलाएगा कौन? ये बात पहले किसी के दिमाग में नहीं आई थी। पंचलाइट खरीदने के पहले किसी ने ना सोचा, खरीदने के बाद भी नहीं। अब पूजा की सामग्री चौके पर सजी हुई है। कीर्तनिया लोग खोल ढोल करताल खोल कर बैठे हैं और पंचलाइट पड़ा हुआ है। गांव वालों ने आज तक कोई ऐसी चीज नहीं खरीदी जिसमें जलाने बुझाने का झंझट हो। कहावत है ना,
भाई रे, गाय लूं तो दूहे कौन। अब लो मजा, अब इस कल कब्जे वाली चीज को कौन बाले। ये बात नहीं कि गांव भर में कोई पंचलेट बालने वाला नहीं, हर एक पंचायत में पंचलेट है, उसके जलाने वाले जानकार हैं। लेकिन सवाल है कि पहली बार मेंटेन करके शुभ लाभ करके दूसरी पंचायत के आदमी की मदद से पंचलेट जलेगा। इससे तो अच्छा है कि पंचलेट पड़ा रहे, जिंदगी भर ताना कौन सा है, बात बात में दूसरे टोले के लोग कूट करेंगे। तुम लोगों का पंचलेट पहली बार दूसरे के हाथ से, ना ना, पंचायत की इज्जत का सवाल है, दूसरे टोलों के लोगों से नहीं कहना चाहिए। चारों ओर उदासी छा गई, अंधेरा बढ़ने लगा, किसी ने अपने घर में आज डिबरी भी नहीं जलाई थी। आज पंचलाइट के सामने डिबरी कौन बालता, सब किए कराए पर पानी फिर रहा था। सरदार, दीवान और छड़ीदार के मुंह में बोली नहीं, पंचों के चेहरे उतर गए थे। किसी ने दबी हुई आवाज में कहा, कल कब्जे वाली चीज का नखरा बहुत बड़ा होता है। एक नौजवान ने आकर सूचना दी, राजपूत टोली के लोग हंसते हंसते पागल हो रहे हैं, कहते हैं कान पकड़कर पंचलेट के सामने 5 बार उठो बैठो, तुरंत जलने लगेगा। पंचों ने सुनकर मन ही मन कहा, भगवान ने हंसने का मौका दिया है, हंसेंगे नहीं। एक बूढ़े ने आकर खबर दी, रुदल साहबनिया भारी बतंगड़ आदमी, कह रहा है पंचलेट का पंपू जरा होशियारी से देना। गुलरी काकी की बेटी मुंडरी के मुंह में बार बार एक बात आकर मन में लौट जाती है, वो कैसे बोले। वो जानती है कि गोधन पंचलेट बालना जानता है, लेकिन गोधन का हुक्का पानी पंचायत से बंद है। मुंडरी की माँ ने पंचायत में फरियाद की थी कि गोधन रोज उसकी बेटी को देखकर सलम सलम वाला सलीमा का गीत गाता है। पंचों की निगाह पर गोधन बहुत दिन से चढ़ा हुआ था, दूसरे गांव से आकर बसा है गोधन, और अब तक टोले के पंचों को 5 सुपारी खाने के लिए भी कुछ नहीं दिया। परवाह ही नहीं करता है, बस पंचों को मौका मिला 10 रुपया जुर्माना, ना देने से हुक्का पानी बंद। आज तक गोधन पंचायत से बाहर है, उससे कैसे कहा जाए, मुंडरी उसका नाम कैसे ले, और उधर जाति का पानी उतर रहा है। मुंडरी ने चालाकी से अपनी सहेली कनेली के कान में बात डाल दी। कनेली मुस्कुरा कर रह गई, गोधन तो बंद है। मुंडरी बोली, तू कह दो सरदार से, गोधन जानता है पंचलेट बालना। कनेली बोली, कौन, गोधना जानता है बालना, लेकिन। सरदार ने दीवान की ओर देखा और दीवान ने पंचों की ओर, पंचों ने एकमत होकर हुक्का पानी बंद किया है। सलीमा का गीत गाकर आंख का इशारा मारने वाले गोधन से गांव भर के लोग नाराज थे। सरदार ने कहा, जाति की बंदिश क्या, जबकि जाति की इज्जत ही पानी में बही जा रही है, क्यों जी दीवान। दीवान ने कहा, ठीक है। पंचों ने भी एक स्वर में कहा, ठीक है, गोधन को खोल दिया जाए। सरदार ने छड़ीदार को भेजा, छड़ीदार वापस आकर बोला, गोधन आने को राजी नहीं हो रहा है, कहता है पंचों की क्या प्रतीत है, कोई कल कब्जा बिगड़ गया तो मुझे दंड जुर्माना भरना पड़ेगा। छड़ीदार ने रोनी सूरत बनाकर कहा, किसी तरह गोधन को राजी करवाइए, नहीं तो कल से गांव में मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा। गुलरी काकी बोली, जरा मैं देखूं कहके।
गुलरी काकी उठकर गोधन के झोपड़े की ओर गई और गोधन को मना लाई। सभी के चेहरे पर नई आशा की रोशनी जमकी। गोधन चुपचाप पंचलेट में तेल भरने लगा। सरदार की स्त्री ने पूजा की सामग्री के पास चक्कर काटती हुई बिल्ली को भगाया। कीर्तन मंडली का मूल ज्ञान मुरछल के बालों को संवारने लगा। गोधन ने पूछा, स्पिरिट कहाँ है? बिना स्पिरिट के कैसे जलेगा? अब ये दूसरा बखेड़ा खड़ा हुआ। सभी ने मन ही मन सरदार दीवान और पंचों की बुद्धि पर अविश्वास प्रकट किया। बिना बूझे समझे काम करते हैं ये लोग। उपस्थित जन समूह में फिर मायूसी छा गई। लेकिन गोधन बड़ा होशियार लड़का है, बिना स्पिरिट के ही पंचलाइट जलाएगा। थोड़ा गरी का तेल ला दो। मुनरी दौड़ कर गई और एक मनसी गरी का तेल ले आई। गोधन पंचलेट में पंप देने लगा। पंचलेट की रेशमी थैली में धीरे धीरे रोशनी आने लगी। गोधन कभी मुंह से फूंकता, कभी पंचलेट की चाबी घुमाता। थोड़ी देर बाद पंचलेट से सनसनाहट की आवाज निकलने लगी और रोशनी बढ़ती गई। लोगों के दिल का मैल दूर हो गया। गोधन बड़ा काबिल लड़का है। अंत में पंचलाइट की रोशनी से सारी टोली जगमगा उठी तो कीर्तनिया लोगों ने एक स्वर में महावीर स्वामी की जय ध्वनि के साथ कीर्तन शुरू कर दिया। पंचलाइट की रोशनी में सभी के मुस्कुराते हुए चेहरे स्पष्ट हो गए। गोधन ने सबका दिल जीत लिया। मुनरी ने हसरत भरी निगाह से गोधन की ओर देखा। आंखें चार हुई और आंखों ही आंखों में बात हुई। कहा, सुना, माफ कर लो, मेरा क्या कसूर? सरदार ने गोधन को बहुत प्यार से पास बुलाकर कहा, तुमने जाति की इज्जत रखी है, तुम्हारा साथ खून माफ। खूब गाओ सलीमा का गाना। गुलरी काकी बोली, आज रात मेरे घर में खाना गोधन। गोधन ने फिर एक बार मुनरी की ओर देखा। मुनरी की पलकें झुक गई। कीर्तनिया लोगों ने एक कीर्तन समाप्त कर जय ध्वनि की। पंचलेट के प्रकाश में पेड़ पौधों का पत्ता पत्ता पुलकित हो रहा था।